Hi guys, I am CA Sanket Jain. Costing for CA final as a subject लेकर आया हूँ आपके लिए और try करूँगा कि बहुत simplify कर पाऊँ इस subject को. मेरे काफ़ी सारे friends बहुत time से problem face कर रहे हैं जो अभी CA final की studies कर रहे हैं कि ये subject समझ नहीं आ रहा, ये subject किस book से refer करना चाहिए, कौन से professor से हमें classes लेनी चाहिए. So ये सब का solution लेके और मैं ये video लेके आया हूँ. This is basically for the introduction of my own classes for costing for CA final. ठीक है, सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट को आपके लिए. ठीक है, इसी के लिए मैं साथ में अपनी खुद की बुक भी लेके आ रहा हूँ. बहुत जल्द अभी उस पर काम चल रहा है, बट द फर्स्ट चैप्टर इज रेडी. आई विल बी शोइंग दैट टू यू सून इन दिस वीडियो इटसेल्फ. और आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके अगर आप क्लिक करेंगे सो यू विल फाइंड द बुक का PDF अटैच देयर. ओके, सो यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट. आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो उसको रेफर करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू ओपन इट ऑन अदर डिवाइस एंड रेफर इट दैट वे, सो यू कैन डू दैट एज वेल. सो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं. जैसे कि नाम चेंज हो चुका है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. तो क्या ये सब्जेक्ट भी बदल चुका है ओल्ड सिलेबस से? हाँ, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ह्यूज और ICI ने इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, उनकी बुक को बहुत बेटर बनाया है और सिलेबस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है. लिटिल बिट डिफ़िकल्ट यस, बट अगर हम करेक्ट माइंडसेट के साथ जाएंगे इस सब्जेक्ट में सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान भी हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, सो माय टैगलाइन इज़ ऐसी जीत तो हमें ICI के अगेंस्ट. अगर मैं बात करूँ एक तरह से कि ICI हमारे अगेंस्ट में हमें पास नहीं कराने की कोशिश उसकी लगी हुई है, बट हमें तो पास होना ही है CA फाइनल. सो ऐसी जीत हमें चाहिए. ठीक है, कि हम लोग कॉस्टिंग को क्रैक करें और उसके साथ में बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम उसको भी क्रैक कर पाएँ और अल्टीमेटली वी बिकम CAs. ओके, सो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ सब्जेक्ट विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो कि हमने CA APCC में पढ़ा था एंड कॉस्टिंग, और थोड़ा सा उसमें एडवांसमेंट लाया गया है ICI के द्वारा. ठीक है, सो किस तरह से पढ़ना है इसको? इस सब्जेक्ट के लिए माइंडसेट जो रिक्वायर्ड है ना, वो एक बिजनेसमैन का माइंडसेट रिक्वायर्ड है. सो आपको कैसे सोचना है इस लेक्चर को देखते हुए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए डिसीजन लेने होंगे और इस बिजनेस को रन करने के लिए मुझे काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने होंगे और उसको बेहतर बनाना होगा, ऊंचाइयों पर पहुँचाना होगा. राइट, सो इस माइंडसेट के साथ आपको बैठना होगा. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस देन थिंक अबाउट योर जॉब. अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप खुद को एज अ मैनेजर इमेजिन करो, क्योंकि आपको मैनेजमेंट करना होगा. और उसके अलावा आप सोच सकते हो कि आप किसी बड़ी कंपनी में CEO हो या फिर CFO हो, तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे, किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करोगे, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द टीम. ओके, सो क्योंकि आपका हर लिया डिसीजन आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली इट ऑल्सो अफेक्ट्स द सोसाइटी इन सम वे. राइट, बट अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हमें बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचाना है हमारे जिसमें भी हम वर्क कर रहे हैं. ओके, सो ओके, सो दिस इज़ आवर माइंडसेट. हम इस माइंडसेट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं. हमें प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचना है और कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझ के और ट्राई करना है कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू थिंक कि रियल लाइफ में ये कंसेप्ट कहाँ पे फिट हो सकता है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, आपने सुपर 30 देखी होगी, तो सुपर 30 में जैसे ऋतिक रोशन कहता है ना कि अब अपने को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ क्वेश्चंस आपको खोजने होंगे. सो सिमिलरली अब आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे फिट करना होगा, कंसेप्ट अप्लाई करना होगा. ओके, सो दिस विल रियली मेक द सब्जेक्ट वेरी इजी फॉर यू. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी आर स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए हमें ड्यूरिंग आर लेक्चर्स, ड्यूरिंग आर स्टडीज, और क्या वो सेम स्ट्रैटेजी हम लोग एग्जाम टाइम पे भी, मतलब बिफोर आर एग्जाम स्टडी लीव्स के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं क्या? आई वुड नॉट सजेस्ट कि सेम स्ट्रैटेजी स्टडी लीव्स में भी यूज़ करेंगे, बट स्टडी लीव्स में एक अलग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी कौन सी स्ट्रैटेजी रखनी है ड्यूरिंग आर लेक्चर्स एंड ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, तो मैं बता दूँ इसमें हमको करना है कि हमारा लेक्चर देखा आपने,
लेक्चर देखने के बाद आपको पूरा सब्जेक्ट आंखें बंद करके या बोल के दोहरा के बुक बंद करके हर तरह से आपको मन से ही रिवाइज करना होगा टॉपिक बाय टॉपिक, और अंदर आप डीप डाइव भी करो इसमें, ठीक है। वंस दैट इज़ डन आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक्स आप में आपको क्लियर नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपने ध्यान नहीं दिया था, ध्यान आपका भटक गया था, हो जाता है कई बार हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। सो वो वाले टॉपिक को आपको बुक खोल के और उसमें डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद आपको वापस से बुक बंद करने के बाद सारा टॉपिक फिर से रिवाइज करना होगा मन में, ओके। सो टॉपिक बाय टॉपिक आपको जाना है टॉपिक, उसके अंदर डीप डाइव किए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप डाइव भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसके अंदर का जिस्ट क्या है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको एक बार के लिए तो पूरा लेक्चर वापस से रिवाइंड हो गया आपके दिमाग में, ओके। व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू वॉच अनदर लेक्चर इन द सेम डे, तो आप ट्राई करो कि इस तरह से ना देखो कि एक लेक्चर देखने के जस्ट बाद ही आप दूसरा चालू कर दो, वॉच इट इन अ वे कि आप सुबह एक देख रहे हो तो शाम को दूसरा देख लो। बट इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू वॉच टू लेक्चर्स इन वन डे, देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप लेक्चर देखो नंबर वन, जब भी आप देख रहे हो अगर सुबह देख रहे हो तो शाम को आपको बुक खोल के और उसको पढ़ना है जितना भी आपने लेक्चर में सुना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने उसी लेक्चर के जस्ट बाद तो मन में रिवाइज कर लिया था, बट अब आपको इन डिटेल सब कुछ आपके दिमाग में एक तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और इस तरह से हम जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको याद रखने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि रिटेंशन इज द मेन थिंग इन सीए फाइनल, ओके। सो नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज कि अच्छा, अगर हम दो लेक्चर देख रहे हैं तो हमें किस तरह से करना है। सो पहला लेक्चर आपने देखा, लेक्चर खत्म होने के बाद आपने मन में रिवाइज किया, बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकेंड लेक्चर आपको फिर से मन में रिवाइज करना होगा, ठीक है। देन वॉच द सेकेंड लेक्चर एंड दिस वे आर प्रोसेस गोज ऑन, ऑल राइट। सो इस तरह से आप करोगे तो आपके 5 दिन में 10 लेक्चर हो जाएंगे। अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो तो आपके 5 दिन में 5 लेक्चर होने के बावजूद आपको डिटेल में सब कुछ याद रहेगा। सो 6th डे पे हमें क्या करना होगा, फॉर वन लेक्चर व्यूअर्स आपको 6th डे पे भी वही कंटिन्यू रखना है, और सैटरडे के दिन आपका वर्किंग हुआ या नहीं हुआ आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें कंटिन्यू रखने में, बट फॉर दोज हु आर वॉचिंग 2 lectures in 1 day आई वुड रेकमेंड यू कि सैटरडे को आप ट्राई करो कि लेक्चर ना देखो अगर आपका वर्किंग है। सो मैनेज सम टाइम एंड स्टडी फ्रॉम द बुक इन डिटेल जितना भी आपने 5 दिन में पढ़ा है, और अगर वर्किंग नहीं है तो आपके पास काफ़ी सफिशेंट टाइम रहेगा कि आप पूरा रिवाइज कर सको बुक से, ऑल राइट। वॉट इज गोइंग टू बी आर संडे का प्लान, सो संडे इज़ अ फ्री डे, नो नॉट एट ऑल, किसी भी सी ए फाइनल स्टूडेंट के लिए संडे इज नॉट अ फ्री डे। वंस यू बिकम अ सी ए देन इज योर संडे अ फ्री डे इफ़ यू वॉन्ट टू, इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑल राइट। बट मोस्टली ये बिल्कुल उम्मीद में रखना कि संडे आपका फ्री डे हो जाएगा। सो संडे को क्या करना है, हमें संडे को एक टेस्ट लिखना है। टेस्ट कौन देगा, टेस्ट मैं दूंगा, मैं एक 120 नंबर का पेपर बना के और आपको प्रोवाइड करूंगा। व्हाट यू हैव टू डू इज सेट अ टाइमर फॉर 3 hours एंड सॉल्व द पेपर, उसको स्कैन करो अपने आंसर शीट को, आप स्कैनर यूज़ करते हो तो स्कैनर से कर सकते हो उसको स्कैन, अदरवाइज यू कैन यूज़ द मोबाइल एप्लीकेशंस विच आर अवेलेबल। सो उसको स्कैन करके आपको मुझे सेंड करना है, आई विल चेक देम, इवेल्यूएट देम एंड आई विल रेकमेंड कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, विच कैन बी यू नो इम्प्रूव्ड एंड उसको मेंड कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को भी। इस तरह की सारी बातें मैं आपसे शुरू से ही डिस्कस करने वाला हूँ ताकि हमारा वो हैबिट ही बन जाए, ऑल राइट। सो क्या ये पेपर भी फ्री रहेंगे जिस तरह से ये लेक्चर्स फ्री हैं? नहीं, लेक्चर्स बिल्कुल सारे के सारे फ्री रहेंगे, बट पेपर्स फ्री नहीं रहने वाले। पेपर्स के लिए हम लोग एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करने वाले हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने ये देखा है कि जनरली हम लोग जब तक पे नहीं करते ना, हम लोग सीरियस ही नहीं होते किसी चीज़ के लिए। तो जब हम लोग थोड़ा बहुत भी अमाउंट अगर पे करेंगे तो थोड़ी सीरियसनेस आ जाएगी, और क्योंकि ये पेपर आपके बेनिफिट के लिए है, सो आई वुड रेकमेंड कि आप वो पे करोगे, आपको सीरियसनेस आएगी, आप पेपर अच्छे से दोगे, टाइम लगा के दोगे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ऊपर से क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो मैं उसको इवेल्यूएट करूंगा। अगर पेपर कोई भी करना चाहता है तो वो तो कोई भी कर सकता है, मैं पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल रखने वाला हूँ। बट अगर आप इवेल्यूएशन चाहते हो, सो यू विल हैव टू पे दिस मिनिमम अमाउंट दैट विल बी चार्ज, ओके। क्या अमाउंट रहेगा और किस तरह से ये सारी चीज़ें होगी वो मैं आपसे आने वाले लेक्चर्स के दौरान शेयर कर दूंगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू आर टॉपिक ऑफ द डे विच इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1
स्टडी मटेरियल भी आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास है तो, बहुत शानदार बनाई है ICAI ने बुक। ओके, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अभी नहीं है तो आपके पास जो भी मटेरियल हो आप उसको रेफर कीजिए। मीन वाइल आई कैन ऑल्सो शेयर विथ यू द बुक जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्रिंटेड चैप्टर वन रेडी हो चुका है, चैप्टर वन को हम उसी से पढ़ने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो व्यू इट ऑन द स्क्रीन, आई विल बी शेयरिंग इट टू यू वेरी सून। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं क्या हम लोग पूरे इंडेक्स को छानने वाले एक बार शुरू में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करने वाले। वी विल गो अबाउट द चैप्टर बाय चैप्टर और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ माइंडसेट ये रखना है कि अब बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने, उनको अप्लाई करना है, रियल लाइफ में भी यूजफुल रहने वाले हैं। सो हम लोग कंसेप्ट को उसी तरह से समझेंगे कि हम लोग उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग टू यू माई बुक। सो आप देख सकते हो बुक आ चुकी है स्क्रीन पर, राइट। सो साथ में मुझे भी देख लो तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। सो हाँ, अब आप देख सकते हो बुक भी है स्क्रीन पर, मैं भी हूँ, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर वन विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आप देख सकते हो चैप्टर ओवरव्यू दिया है मैंने। चैप्टर ओवरव्यू पूरा का पूरा ICAI से उठाया है, ऐसा का ऐसा उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में इसको बना रखा है। और हमारा बुक का बनाने का बेस जो रहेगा वो भी स्टडी मटेरियल ही रहेगा, बिकॉज स्टडी मटेरियल इज द किंग। ओके, स्टडी मटेरियल से ही पेपर मोस्टली बनता है, कंसेप्ट तो वहीं से उठ के आते हैं। ऑलराइट, नथिंग इज आउट ऑफ योर स्टडी मटेरियल। सो चैप्टर ओवरव्यू देखते हैं। अच्छा, सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के लिमिटेशंस हमको समझने होंगे, क्योंकि अपने को अब समझना है कि पहले जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, CIPCC में भी पढ़ा था, ओल्ड सिलेबस में भी था, सो अब क्या ज़रूरत पड़ी कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लाना पड़ा ICAI को, या फिर क्यों हमारे सिलेबस में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, जो कि उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, विच इज आर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब समझने के बाद वी विल मूव ऑन टू कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या है। ऑलराइट, सो दिस विल बेसिकली कवर आवर फर्स्ट चैप्टर, और देखते हैं कि अब लिमिटेशंस क्या है। नाउ हियर यू कैन सी दिस ग्रीन बबल जो मैंने पुट किया है, ये ग्रीन बबल क्या शेयर करता है आपके साथ में, ये ग्रीन बबल आपको बताएगा कि इस चैप्टर को हमको किस माइंडसेट के साथ पढ़ना है, क्या देखना है इस चैप्टर में, एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न ये चैप्टर क्यों बनाया गया, एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर अस टू लर्न आउट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इस चैप्टर को लाने का रीज़न यही था कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो था वो बन गया ज़ीरो, और अपना स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो बन गया हीरो। ओके, अब आ जाते हैं अपन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत समझते हैं, और फिर उसके लिमिटेशंस को समझते हैं, और साथ ही में लेते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो जनरली अपन उसमें क्या करते थे, अपन उसमें कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे। कॉस्ट को कैलकुलेट करते थे किस तरह से, अपन ने ओवरहेड्स को एलोकेट किया, डायरेक्ट कॉस्ट को लगाया, और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद अपने को कॉस्ट पता चली। नाउ व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड रिड्यूस द कॉस्ट। बट क्या इसमें अपने सारे पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, नहीं, तो ये अपन देखेंगे कि पर्पस किस तरह से फुलफिल नहीं हो रहे हैं आने वाले टॉपिक्स में। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट के वो आपके साथ बताए गए हैं यहाँ पे। देर आर सिक्स पॉइंट्स गिवन हियर, इसको याद रखने का तरीका मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आप देख सकते हो IIFRS, और उसको और याद रखने का तरीका है IFRS। द ओनली पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज देर आर टू आईज एंड टू एफ्स। ऑलराइट, व्हाट कम्स विद आई से आता है इग्नोर, क्या इग्नोर कर रहा है, कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर रिक्वायरमेंट। ओके, सो यहाँ पर अपन लोग ट्राई कर रहे हैं कि कॉस्ट को कैलकुलेट करें, रिड्यूस करें, उसको कंट्रोल करें, बट अपन ने एट द सेम टाइम कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है कि अपना कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है। अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर दें, या फिर वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कॉस्ट रिड्यूस करें, या फिर वो कुछ नया फीचर लेके आ रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन को अब कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए सिर्फ फोकस है कॉस्ट रिडक्शन पर। अब हो सकता है कि कॉस्ट रिड्यूस करने के बाद कॉस्ट तो कम हो जाए, बट अपना कॉम्पिटिटर एक नया फीचर लेके आ गया,
जो कस्टमर्स है, जो मार्केट है, वो उसको ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो अब अपन उस मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अपना कॉस्ट तो कम है पर अपन वो केटर ही नहीं कर पा रहे जो कस्टमर्स को चाहिए। ठीक है, सो इट कम्प्लीटली इग्नोर्स कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ को ये इग्नोर कर देता है, और कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो ही आपको देना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर इज द किंग। सेकेंड पॉइंट इज इग्नोर्स द डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। मैं बता दूँ इसको किस तरीके से देखा जाएगा। अपने जो मार्केट होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। आपने नाम सुना होगा पेस्टल मॉडल। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है कम्प्लीटली अफेक्ट करते हैं, कब कैसे एक बाय एक एक करके अफेक्ट करते हैं क्या, नहीं सब एक साथ मिलके मार्केट को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, सो क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं ना, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना होता है, स्ट्रैटेजाइज इस तरह से करना होता है कि यू आर एबल टू अडैप्ट टू दीज सिनेरियोज एंड चेंजिंग कंडीशंस। ऑलराइट, सो डायनामिक्स जो हो रहा है, मार्केट डायनामिक्स, इसको ये ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल इस पर ध्यान देने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। The only focus of traditional cost management is कि हम cost को reduce कर दें, इस level तक reduce करें हम लोग कि सबसे ज़्यादा सबसे कम cost हमारी ही हो। But उससे कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग ignore कर देते हैं कि हमारा quality क्या है product का, या फिर हम जो product बना रहे हैं उसका requirement है या नहीं, customer क्या चाहता है, customer की needs को हम कई बार ignore कर देते हैं cost reduce करने में। Alright? The fourth point is there is a limited focus on review and improvisation. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद उसको review नहीं कर रहे, मतलब कि हम लोग उसको check नहीं कर रहे कि वो कितना effective रहा, हमारे purpose को कितना satisfy किया। Alright? So review नहीं है, और क्योंकि review नहीं है तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम किस पॉइंट पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ते रहना है और ऊंचाई पर पहुंचना है तो। सो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में लगा हुआ है, कंट्रोल करने में लगा हुआ है, कस्टमर की नीड को नहीं समझ रहा, ना ही वो फोकस कर रहा है कि वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, और अपने काम को रिव्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज रिएक्टिव अप्रोच। आप देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला मार्केट के जो फैक्टर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, ये सब कम्प्लीटली अफेक्ट करते रहते हैं मार्केट को। द मार्केट इज एवर चेंजिंग, इट इज डायनामिक, एंड इट इज द सिचुएशंस कीप चेंजिंग। ऑलराइट, सो हमें इसके लिए ऑलरेडी सोचना होगा कि हम अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वैसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे। सो इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली सोचना होगा। बट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एक ही फंडा है, और वो है कि कुछ भी होता है तो उसके बाद रिएक्ट करो, वो प्रोएक्टिवली नहीं सोच पा रहा। ही इट हैज अ रिएक्टिव अप्रोच। ओके, सो विच इज अ मेजर लिमिटेशन ऑन इट्स पार्ट। द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज शॉर्ट टर्म आउटलुक। ये बहुत ही छोटे दौरान के लिए सोचता है, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, बट इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, उसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या वो हमारे फेवर में टर्न करेगा, क्या वो हमारे फेवर में टर्न नहीं कर पाएगा, इस तरह की सारी बातों को सोचकर ही कोई डिसीजन लिया जाता है। बट ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म आउटलुक पे वर्क करता है। इट फोकसेस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिड्यूस करने का मेजरली इम्पैक्ट क्या रहेगा ओवर द फ्यू ईयर्स विच आर गोइंग टू कम, वो नहीं सोचा जाता है। शॉर्ट टर्म आउटलुक पे वर्क किया जाता है, जो कि बेसिकली कंपनी को अफेक्ट करता है ऑन अ लॉन्ग रन। क्योंकि कई बार हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे शॉर्ट टर्म में फायदा होता है बट लॉन्ग टर्म में नुकसान दिखता है, एंड देन वी आर नॉट एबल टू रिवर्स आर डिसीजन दैट हैड बीन मेड अर्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक ऑफ द डे विच इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है और इसे क्यों लाया गया, ये हम समझेंगे अगले कुछ पॉइंट्स में। द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद आवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो अपन कुछ कॉस्ट को मैनेज करने की टेक्निक्स को यूज करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे, उसको अल्टीमेटली अपन अप्लाई क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाना है। राइट, अपने बिजनेस को हमेशा
टॉप पर पहुंचाना रहेगा अपने को। सो अपने को क्या करना है बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने के लिए, अपना बिजनेस है, यहाँ पर उसका कॉम्पिटिटर है और यहाँ पर उसका एक और कॉम्पिटिटर है, राइट। सो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं अपने बिजनेस के, बट उसमें से टॉप पर कौन रहेगा? अपना बिजनेस। अपने बिजनेस को टॉप पे पहुंचाने के लिए अपने को क्या करना होगा? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना होगा। द नेक्स्ट थिंग इज, आर वी गोइंग टू कंट्रोल कॉस्ट? वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कंट्रोल कॉस्ट हियर। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा था, बट ये कॉस्ट को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, बट अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजिक पोजिशन को इम्प्रूव कर रहा है। I have highlighted this point for you. I would like you to underline it also so that you are able to well remember it. Okay. The next point is, it also involves what? Cost information, और cost information के साथ decision making framework. ठीक है, सो अगर ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है तो इसको मैं क्या करूंगा? अब इसको मैं एनालाइज करूंगा और उसके बाद फिर मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, सो डिसीजन किस फेवर, किस बेसिस पे लूंगा मैं कि मुझे अपनी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को क्या करना है? इंप्रूव करना है, टॉप पे पहुंचाना है। ऑल राइट, द थर्ड पॉइंट इज, क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं कॉस्ट को, बट क्या सिर्फ वही कर रहे हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया फर्स्ट पॉइंट में कि हम लोग कॉस्ट को डेफिनेटली कंट्रोल कर रहे हैं, बट यही नहीं, हम लोग अब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने को स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ द बिजनेस को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ऑलराइट, द फोर्थ पॉइंट इज, बेसिक एम क्या रहेगा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का? वो यही है कि अपने को ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है। किस चीज़ में हेल्प करना है? कि उसका स्ट्रैटेजिक पोजीशन इम्प्रूव हो जाए। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजिक पोजीशन? देयर इज ओनली एंड ओनली वन वे, विच इज गोइंग टू बी आर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी क्या? कि अपने 4 कॉम्पिटिटर्स हैं, 1000 कॉम्पिटिटर्स हैं, बट अपने को ऐसा एडवांटेज मिला हुआ है कि 10 लोग खड़े हैं ना, उसके बाद भी कस्टमर आता है अपने बिजनेस पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को वो एडवांटेज है। वो एडवांटेज किस तरह से मिल सकता है अपने को? 2 तरीके से मिल सकता है, या तो अपना कॉस्ट बहुत कम रहेगा, या फिर अपना सुपीरियर प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा? अपना कॉस्ट या तो बहुत कम रहेगा, या फिर अपना सुपीरियर प्रोडक्ट रहेगा। इन 2 तरीके से ही अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि अपने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 1 महीने उसको फ़ायदा लिया बट उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ये अपने लिए लॉन्ग टर्म का एडवांटेज होना चाहिए। ऑलराइट, इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मैं पहले ना हॉस्टल में रहता था, बॉम्बे में था जब सीए कर रहा था तब। सो वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर खाना जो है ऑनलाइन ऑर्डर करते थे थ्रू जोमैटो और स्विगी, या फिर और अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके थ्रू। ऑलराइट, सो जनरली हॉस्टल में क्या ऑर्डर होता है यार, पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है। तो हम लोगों ने ना ये डिसाइड किया था कि हम लोग डोमिनोज़ नहीं मंगाएंगे और मंगाएंगे मोजो पिज़्ज़ा। वहाँ पे मोजो पिज़्ज़ा भी बहुत चलता है। ऑलराइट, ऐसा क्यों किया था हमने? क्योंकि हमने सोचा था कि यार मोजो पिज़्ज़ा में जो है ना चीज़ बर्स जो रहता है वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ उसमें फिलिंग करते हैं, और उसके अलावा उसका क्रस्ट जो है वो इतना ड्राई नहीं होता, डोमिनोज़ का काफ़ी ड्राई होता है। सो अब ये मोजो के लिए क्या है? ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, उसको एक सुपीरियर एडवांटेज है, सुपीरियर प्रोडक्ट का एडवांटेज है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं ये एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उनको एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिला हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे को मोजो पिज्जा ही ऑर्डर करना है, मैंने ये तो डिसाइड कर लिया, बट मैं कहाँ से ऑर्डर करूंगा? वन वे इज आई कैन ऑर्डर थ्रू स्विगी, सेकंड वे इज आई कैन ऑर्डर थ्रू जोमैटो, थर्ड वे इज आई कैन ऑर्डर थ्रू डनजो, एंड द फोर्थ वे इज आई कैन ऑर्डर थ्रू मोजो का ऐप इटसेल्फ। ठीक है, सो अब मैं क्या देख रहा हूँ? अब मैं देख रहा हूँ कि सबसे सस्ता मुझे सेम पिज्जा कहाँ पर मिलने वाला है। तो जहाँ पर सबसे सस्ता मिलेगा मैं डेफिनेटली वहीं से परचेज करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉस्ट लीडरशिप। ठीक है, सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? कि प्रोडक्ट सुपीरियर है, और कॉस्ट लीडरशिप क्या है? कि सबसे सस्ता बिक रहा है। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ कॉस्ट लीडरशिप का, वो ये होगा कि अपने को कुछ ग्रोसरी आइटम्स खरीदने हैं। सो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन रहने वाले हैं, जैसे कि अपना हो गया डी मार्ट, अब आ चुका है जियो मार्ट, उसके अलावा है रिलायंस फ्रेश, उसके अलावा है अपने पास बिग बाज़ार। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे, इनफैक्ट अपने पास तो लोकल किराना स्टोर्स भी तो है। सो इन सब में मैं अब कंपेयर करूँगा कि सबसे सस्ता मुझे कहाँ पे मिल रहा है मेरा आइटम जो मुझे परचेज करना है। सो जनरली कहाँ पे बेनिफिट होता है अपने को सबसे सस्ता मिलने में? वो होता है अपने को डनजो पे, सॉरी अपने को होता है वो डी मार्ट पे, राइट। सो डी मार्ट को कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज मिलता है क्योंकि सेम प्रोडक्ट वहाँ पर सबसे सस्ता मिल रहा है। ओके, सो
उसको कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज है. नाउ दिस इज हाउ यू गेट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड थ्रू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव इट्स स्ट्रैटेजिक पोजिशन इन द मार्केट. ऑल राइट, द फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अपने को फोकस कराता है कि अपने को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है. ऑल राइट, अपन ने देखा था ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट न तो रिव्यू कर रहा था न इम्प्रोवाइज कर रहा था, इन सब से उसने उस पर फोकस ही नहीं था और वो कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था ये सारे पॉइंट्स को, बराबर. बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, इस चीज़ को रहने देगा? बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. व्हाई इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड? बिकॉज यू नीड टू केटर टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ योर कस्टमर्स, प्रोवाइड देम विद अ क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइड देम विद अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इवन सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट. अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे कम्पीट कर रहे हैं, सो यू हैव टू कम ओवर देम, यू हैव टू कम अबव देम, और उनको आपको पीछे छोड़ के, ठीक है, आपको उनके आगे बढ़ना है. ऑल राइट, कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज आर नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लाने की नेसेसिटी क्या थी? नेसेसिटी बहुत सिंपल थी, यह है कि अपन को अब कॉस्ट को सिर्फ गैदरिंग करना है, मतलब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को सिर्फ गैदरिंग ही करना है, उसमें अब अपने को डीप डाइव करना पड़ेगा. ठीक है, डीप डाइव करना पड़ेगा क्योंकि अपने को बेहतर डिसीजन बनाने हैं, अपने को अपनी कंपनी की पोजिशन इम्प्रूव करनी है. ठीक है, सो डीप डाइव करने के लिए अपने को बहुत ही सॉलिड इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट स्ट्रक्चर की, और उसके अलावा अपने को फिर बहुत ही डीप जाके उसको एनालाइज करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो द फर्स्ट नेसेसिटी इज कि कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो रहा था ताकि हम बेटर डिसीजन ले पाएँ. सो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को बेटर एनालाइज करने के लिए आया है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. ये कैसे आसान बनाता है एनालाइज करना? क्योंकि ये बहुत ही डीप में जाके कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करता है. सेकेंडली, कॉस्ट स्ट्रक्चर को बहुत सिंप्लीफाई और बहुत क्लियर करता है. थर्ड, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, और ये बताता है कि हम लोग अगर एक कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो हमारा दूसरा कॉस्ट बढ़ सकता है क्या, या फिर हम इस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा. इस तरह की अलग अलग रिलेशनशिप्स ये बिल्ड करता है, एंड देन अल्टीमेटली वी आर एबल टू बेटर एनालाइज एंड वी आर एबल टू फॉर्म बेटर डिसीजंस. ओके, अल्टीमेटली हमें ये क्यों करना है? क्योंकि हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी इंप्रूव करनी है. सो ये तो आपको हर जगह पे लिख के ही आना है, क्योंकि ये अपना अपना तकिया कलाम होना चाहिए. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट पॉइंट इज कि कॉस्ट डेटा जो है उसको एनालाइज अपन ने किया, अब अपन उसको क्या करने वाले हैं? उसको अपन यूज़ करने वाले हैं टू डेवलप मेजर्स जिससे अपने को सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाए. सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा तो क्या होगा? अपनी पोजीशन, यानी कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी विल इंप्रूव. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वी आर गोइंग टू यूज द एनालिसिस टू डेवलप डिफरेंट मेजर्स, यानी कि टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ऑल्टरनेट मेजर्स. ओके, ताकि हम किस तरह से सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज कि अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कॉस्ट स्ट्रक्चर की. मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कॉस्ट स्ट्रक्चर की, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है. ये आप फिफ्थ पॉइंट देखोगे तो वो बता रहे हैं कि रिलेशनशिप बिल्ड करता है और हम लोग इन रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ वन कॉस्ट कुड अफेक्ट अनादर, हाउ वन कॉस्ट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ आवर कंपनी, एंड सिमिलरली इन डिफरेंट वेज किस तरह से रिलेशनशिप वर्क कर रहे हैं कॉस्टिंग के. ठीक है, सो इस सब को हम लोग एनालाइज करते हैं, डेवलप करते हैं मेजर्स को और यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को टू डेवलप ऑल्टरनेट मेजर्स. एंड ऑल्टरनेट मेजर्स के बाद हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं. सो स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कौन स्ट्रैटेजी बनाता है? आप बनाते हो. आप कौन हो? आप ये तो ओनर हो, मैनेजर हो, सीईओ हो, सीएफओ हो. ठीक है, आप टॉप पोजीशन पे हो. सो आप उस इंफॉर्मेशन को, एनालिसिस को अब आप यूज़ करने वाले हो टू डेवलप ऑल्टरनेट मेजर्स. यू आर गोइंग टू यूज़ द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू डेवलप स्ट्रैटेजीज, एंड स्ट्रैटेजीज बना के आप क्या करोगे? यू विल फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेट द स्ट्रैटेजी, यू विल इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, एंड अल्टीमेटली यू विल रिव्यू इट, यू विल कंट्रोल इट. To do what? For continuous improvement. Strategic cost management is talking about continuous improvement. क्यों करना है हमें?
अल्टीमेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड. हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें कस्टमर को फायदा पहुंचाना है. कस्टमर विल बी हैप्पी, स्ट्रैटेजिक पोजिशन विल इम्प्रूव. ऑल राइट, यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हो. दिस टेबल इज गिवन बाय ICAI. इट शोज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. देर आर 6 पॉइंट्स गिवन हियर. आई वुड जस्ट आस्क यू टू रीड एंड गो थ्रू दिस टेबल. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. यहाँ से एक टॉपिक चालू होता है और इसके अंदर एक सब पॉइंट आने वाला है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का मेन पिलर ही यही पॉइंट है. ठीक है, सो यहाँ पे आपका अगर माइंड डेविएट होता है सो आप पानी पी लो, अपना ध्यान यहीं पे रखना है आपको. देर इज़ नो चांस फॉर यू टू टू डेविएट योर माइंड फ्रॉम हियर नाउ ऑन. ओके, सो कंपोनेंट्स क्या है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के? देर आर 3 कंपोनेंट्स. और वो क्या कहता है मैं आपको एक शॉर्ट टेबल से एक्सप्लेन करने के बाद फिर इसमें इन डिटेल लेके जाता हूँ. ओके, सो हियर आई हैव मेड अ शॉर्ट टेबल फॉर यू टू एक्सप्लेन द 3 components of strategic cost management. The first component is our strategic positioning analysis. आपको नाम से समझ में आ रहा है कि अपन को position, strategic position जो है ना अपनी company की, अब उसको analyze करना है. So इसको analyze करने के 2 तरीके हैं. पहला, अपनी पोजीशन है क्या. ठीक है, इफ देयर आर 10 कॉम्पिटिटर्स अपने साथ में, सो वेयर इज आर पोजीशन? आर वी एट द टॉप? आर वी इन द बिटवीन? कि हम लोगों को अब क्या नया करना पड़ेगा कि हम लोग टॉप पे आ सकें, या फिर हम लोग बहुत ही पीछे हैं, अभी बहुत ही लैग कर रहे हैं? एंड हाउ कैन वी गेन एन एडवांटेज? हाउ कैन वी कम टू द टॉप? ऑल राइट, सेकेंड इज कि अपने को अब क्या वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए. ठीक है, सो अपने को एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो वैल्यू हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्यों क्रिएट करेंगे, वो तो है ही, वो तो अपने को बिजनेस कर रहे हैं तो इसीलिए अपन ने सोचा था. बट अपन किस तरह की वैल्यू क्रिएट करेंगे, और अब कैसे इस वैल्यू को क्रिएट करेंगे, और ये वैल्यू जो क्रिएट करेंगे ये अपने राइवल्स से किस तरह से डिफरेंटली रहेगी. ओके, सो 2 थिंग्स विच आर देयर इन स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस इज आपकी रिलेटिव पोजिशन. रिलेटिव मतलब रिलेटिव कब होता है? जब अपन किसी के रिलेशन में बात करते हैं, किसी के कंपैरिजन में बात करते हैं. ओके, सो योर रिलेटिव पोजिशन ऑफ द कंपनी इज वेयर इन द इंडस्ट्री. ऑलराइट, सेकंड पॉइंट इज व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर क्रिएटिंग एंड हाउ यू विल क्रिएट दैट वैल्यू डिफरेंटली देन योर कॉम्पिटिटर्स. द सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है? It talks about there are 2 bifurcations in cost driver analysis. But cost driver analysis क्या होता है? So हम लोग ये देखते हैं, ये analyze करते हैं कि cost अगर हम लोग incur कर रहे हैं so वो किस वजह से हो रही है, किस factor की वजह से हो रही है. Okay, so अगर हम लोग inspection cost incur कर रहे हैं so inspection is what the driver of the cost is. Alright, so there are 2 bifurcations given in cost driver analysis. One is structural cost driver and second is executional cost drivers. Structural cost drivers are talking about structure. Okay, so structural cost drivers are going to talk about organizational structure. जैसे कि किस तरह के factors यहाँ पे affect करने वाले, अपना scale of operation कितना है. ठीक है, अगर अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो डिफरेंट ड्राइवर्स विल बी देयर एंड प्रोबेबली कॉस्ट विल इधर बी लेस और मोर डिपेंडिंग ऑन हाउ वी आर डीलिंग विद इट. ओके, सेकंड थिंग इज अपना लर्निंग कर्व कितना अच्छे से आ रहा है. लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व इज कि आप जब एक चीज़ को करते हो, आप जब एक प्रोसेस को कैरी आउट करते हो सो धीरे धीरे यू टेंड टू इम्प्रूव ऑन इट. ओके, सो अगर आपको कुछ प्रोसेस करने में समझ लो 4 घंटे लग रहे थे, धीरे धीरे यू विल रिड्यूस योर आवर्स. प्रोबेबली यू विल टेक 3 आवर्स नाउ एंड प्रोबेबली यू कुड गो ऑन टू 2 आवर्स और मे बी 1.5 आवर्स. ऑल राइट, सो दैट इज आवर लर्निंग कर्व. वी बिकम बेटर एट व्हाट वी डू. सेकेंड थिंग इज एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स आर रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑपरेशन. तो ऑपरेशनल फैक्टर्स क्या रहेंगे? जैसे कि अपने पास रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, अपनी एफिशिएंसी कितनी है, प्लांट लेआउट की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, या फिर अपने रिसोर्सेज कितने अच्छे क्वालिटी के हैं, आर आर लेबर स्किल्ड. इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है अपने एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स को. बराबर, थर्ड
A third point, which is the most important point in this chapter, is value chain analysis. Okay, क्या बोल रहा हूँ मैं? Value chain analysis. अब अपने को सोचना है कि पूरी जो chain of processes है अपनी कंपनी में, ठीक है, अपनी कंपनी में पूरी जो chain of processes है ना, उस कितना वैल्यू क्रिएट कर रही है अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में कितना वैल्यू क्रिएट कर रही है, इस तरह का एनालिसिस अब अपने को करना होगा, ठीक है. सो थर्ड एनालिसिस इज वैल्यू चेन एनालिसिस. ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान यहीं पर रखना है, ठीक है. सो इसमें कुछ तरह की एक्टिविटीज़ बताई गई है जो कि एक बिजनेस में होती ही होती है. इन एक्टिविटीज़ को दो बाइफर्केशन में बांटा है. फर्स्ट इज़ आर प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकंड इज़ आर सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़. ओके, सो फर्स्ट इज़ आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ पांच तरह की बताई है. फर्स्ट इज़ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकंड इज़ ऑपरेशंस, थर्ड इज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फोर्थ इज़ मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड फिफ्थ इज़ सर्विसेज. सपोर्ट एक्टिविटीज़ में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके अलावा प्रोक्योरमेंट को कवर किया है. ये सब क्या होते हैं, ये अपन इन डिटेल और एक केस स्टडी के साथ समझेंगे, ठीक है. कमिंग टू द टॉप अगेन, अब अपन जा रहे हैं डिटेल में पढ़ने कंपोनेंट्स को. सो आर फर्स्ट कंपोनेंट हियर इज स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस. स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस क्या है? वही अपने रिलेटिव पोजिशन क्या है, कंपेरेटिव पोजिशन क्या है अपनी कंपनी की इन द इंडस्ट्री. ऑलराइट, सेकंड थिंग इज कि अपन किस तरह की वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं और अपन उस वैल्यू को कैसे क्रिएट करेंगे डिफरेंटली फ्रॉम आर कॉम्पिटिटर्स. थर्ड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट हियर इन दिस पॉइंट इज कि किस तरह के फैक्टर्स जो हैं एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अफेक्ट करते हैं कंपनी के. सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि पेस्टल मॉडल में हमने देखा था, पोर्टर के फाइव फोर्सेस में हमने देखा था, ये हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा था, राइट. सो पेस्टल, पोर्टर्स, फाइव फोर्सेस, उसके ये इस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है फैक्टर्स हमारी कंपनी की पोजीशन को हमेशा अफेक्ट करते रहते हैं. सेकंड थिंग इज़ आर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपने रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अपनी मशीन्स, अपने लेबरर्स का स्किल्स, ठीक है, इस तरह के हर चीज़ अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जो होती है, ये भी एक पोजीशन को अफेक्ट करती ही है. ओके, थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, कल्चर और सिस्टम. मुझे लगता है ये थर्ड पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. इट द इम्पैक्ट कैन नॉट बी एक्चुअली सीन, बट इट इज़ देयर. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, कल्चर और सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं, हाउ हैप्पी योर लेबरर्स आर और हाउ हैप्पी योर वर्कर्स आर, आपका स्टाफ, आप एक दूसरे के साथ वर्क करने में खुश है, इज़ देयर सम काइंड ऑफ a trouble going on between your workers and your top management, इस तरह की जो values हैं, is your top management focused towards what it wants to achieve, towards creating a better company, creating a better product, quality product, किस वजह से काम कर रहे हैं, उनके जो goals हैं क्या वो sync में है with the organizational goals. So इस तरह की कुछ value system culture, ये सब बहुत ज़्यादा affect करता है company को. So these three points are there in the factors which affect the strategic position of the company. So strategic position analysis क्या है अपना, फिर से come on quickly, relative position company का in the market in comparison to your competitors, what kind of value you want to create and how will you create differently than your rivals or competitors. Okay, नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या है अपना? कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस है कि किस तरह से कॉस्ट अपन इनकर कर रहे हैं, ये इनकर जो कर रहे हैं अपन कॉस्ट, वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, व्हाट ऑल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आर कॉस्ट, ठीक है. सो क्या वो सिंपल फंक्शन है, क्या अपन ने इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया इसलिए अपनी कॉस्ट हो गई, ऐसा कुछ होता है क्या? अपन कम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे अपनी कम कॉस्ट है, ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे ज़्यादा कॉस्ट है, या फिर ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, कम कॉस्ट रहेगी, या वैसा कुछ. इस तरह से इतना सिंपल है क्या कॉस्ट को समझना? इतना सिंपल नहीं है. ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है इस बेसिस पे वर्क करता था, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है इतना सिंपल इस पे वर्क नहीं करता. इसमें इसके रिलेशनशिप्स को समझता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और
बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सप्लेन करता है कि कॉस्ट क्यों इनकर कर रही है कंपनी. ओके, सो द फैक्टर्स विच आर देयर अपनी कंपनी को रन करने में, अपने को अलग अलग प्रोसेस रन करने में, सो वो फैक्टर्स जो है इंटर रिलेटेड होते हैं काफ़ी सारे, और ये इंटर रिलेटेड कॉस्ट फैक्टर्स को समझना पड़ता है और उसकी वजह से जो है कॉस्ट इनकर की जाती है. इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अगर अपन इंस्पेक्शन कॉस्ट में एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो इनकर करेगी एक इंस्पेक्शन कॉस्ट, ठीक है, इट विल इंक्रीज इट्स इंस्पेक्शन कॉस्ट. अब उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, हो सकता है कि उसकी वजह से उसका जो रिपेयर कॉस्ट था या आफ्टर सेल सर्विस कॉस्ट था वो कम हो जाए, ठीक है. सो दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इस तरह से इसको वर्कआउट करना पड़ता है और फिर समझना होता है कि कॉस्ट हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अननेसेसरी कॉस्ट, ठीक है. दो हिस्सों में बांटा है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स. स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि कितने स्केल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, किस स्कोप पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा लर्निंग कर्व कितना अच्छा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है अफेक्ट करती है हमारे स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स को. ओके, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर्स में मोस्टली बात होती है ऑपरेशंस की, हमारा वर्कफोर्स कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, हमारे रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, प्लांट का लेआउट का एफिशिएंसी कितना अच्छा है, हमारे मशीनरीज की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है और उसी के साथ ऑपरेशनल कॉस्ट को भी अफेक्ट करती है. राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैज़ कम अगेन विच इज़ वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि देयर इज अ चेन ऑफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन, जिसमें कौन सी प्रोसेस या कौन सी एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट कर रही है हमारे या तो प्रोडक्ट को या हमारे बिजनेस को, ठीक है. सो हम लोग वो सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करेंगे जो कि वैल्यू ऐड कर रही है, एंड व्हाट विल वी डू, वी विल आइडेंटिफाई ऑल दोज एक्टिविटीज आल्सो व्हिच आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू आर प्रोडक्ट और बिजनेस, एंड वी विल एलिमिनेट दोज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज. ऑलराइट, इससे अपने को क्या फ़ायदा होगा, अपना प्रोडक्ट बेटर बनेगा, अपना कॉस्ट कम होगा, थर्ड इज अपने कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएंगे. इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक रिपेयर शॉप था मोबाइल का, तो उनका फंडा क्या था कंपनी का कि अगर आप रिपेयर पे देते हो तो देर आर लोकल स्टोर्स अवेलेबल, रिपेयरिंग स्टोर्स जहाँ पे आप सर्विस सेंटर्स जहाँ पे आप जाके अपना मोबाइल डिपॉजिट करो, एंड फिर वो लेके आते थे एक सेंट्रल लोकेशन पे, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो बैंगलोर में लेके आते थे, फिर वहाँ पे सब कुछ रिपेयर होके एंड देन इट यूज्ड टू गो बैक टू द इंडिविजुअल सर्विस सेंटर्स और फिर जो है लोगों को मिलता था. इसकी वजह वो लोग और क्या कर सकते थे कि मेजर सेंटर्स जो थे उसमें डेटा एनालाइज करते कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा नीड आ रही है, तो वहाँ पर वो लोग इंजीनियर्स सेटअप कर देते एक या दो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था अननेसेसरी टू अ सेंट्रल लोकेशन वो शायद नहीं हो पाता. एट द सेम टाइम व्हाट कुड दे हैव डन इज कि उनको देखना चाहिए था कि मेजर कंप्लेंट्स किस वजह से आ रही है, सो दे कुड हैव वर्कड ऑन इट, दे कुड हैव इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड प्रोबेबली वो कंप्लेंट्स आना ही बंद हो जाती, ठीक है. सो उनका एक मेजर कॉस्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन का आ रहा था और इतना जो टाइम लग रहा था जिसकी वजह से कस्टमर शायद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, वो एलिमिनेट हो जाता अगर वो लोग इस वैल्यू चेन को एनालाइज करते कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज कौन सी है, हम उसको रिमूव कर देते हैं. इसको रिमूव करने से अपने को क्या होगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. दो तरीके से होता है, फर्स्ट इज कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड इज व्हाट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ये दो तरीके से सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है. सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कंपनी को हो जाता है वैल्यू चेन एनालाइज करने के बाद. ओके, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से क्या होता है, स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग ऑफ द कंपनी इंप्रूव्स. ऑलराइट, नाउ अपन आ जाते हैं एक्टिविटीज़ पे. इन एक्टिविटीज़ को याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में, बट उसके पहले हम समझते हैं कि एक्टिविटीज़ है क्या. ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ पांच है. फर्स्ट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है. सो हम कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स. ऑल राइट, सो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोक्योरमेंट करना होगा कपड़े का. ओके, सो डैट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी विच इज़ कवर्ड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वाले लाइन में. सो हमने प्रोक्योरमेंट कर लिया, बट आफ्टर प्रोक्योरमेंट व्हाट, नाउ वी हैड सपोज टू ब्रिंग दिस कपड़ा और दिस क्लॉथ
टू आर फैक्ट्री। सो हम लोग, हो सकता है कि हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट इज वन एक्टिविटी विच इज कवर्ड अंडर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, सो ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको हमने फैक्ट्री में ले जाने के पहले, हो सकता है हमने बल्क में परचेज किया था, वी डू नॉट नीड ऑल ऑफ इट एट वन टाइम इन द फैक्ट्री, वी आर स्टोरिंग सम ऑफ इट इन आर वेयर हाउस। तो वो स्टोरेज जो किया हमने, वेयर हाउसिंग जो किया उसका, डेट इज ऑल्सो कवर्ड इन आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो उसको फैक्ट्री में लाने तक हमने जो जो भी एक्टिविटी करी वो सारी हमारी कवर होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री में जो हमारा इनपुट मटेरियल आया है वी विल कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट, और ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जैसे कि हम लोग उसमें क्या क्या करते हैं, वी ऑल्सो आफ्टर अलॉन्ग विद द ट्रांसफॉर्मेशन वी ऑल्सो पैकेज इट। हम लोग मशीनरीज पे भी ध्यान देते हैं सो दैट दे आर वर्किंग प्रॉपरली। सो दीज ऑल एक्टिविटीज फॉर्म पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस। सो ये सारी चीज़ें मिलके आपका बनता है ऑपरेशंस। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। नाउ ऑपरेशंस में आपका प्रोडक्ट जो है वो पैकेज होकर रेडी हो चुका है, बट यू आर सपोज टू नाउ सेल इट। सो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है कि आप उसको अब फैक्ट्री से अपने स्टोर तक ले जाने में जितनी भी एक्टिविटीज करने वाले हो, जैसे कि स्टोरेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की सारी चीज़ें आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में कवर हो जाती है। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, आपके फैक्ट्री से ले जाया हुआ फाइनल आउटपुट जब तक एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी आ जाती है आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट इज मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में हम लोग जनरली कंज्यूमर को अवेयर कराते हैं कि हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके आए हैं आपके लिए, एंड देयर इज अपार्ट फ्रॉम दैट एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके मार्केटिंग कैसी हो रही है। सो मार्केटिंग एंड सेल्स इज ऑल अबाउट दैट। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज देयर इज आर सर्विसेज। सर्विसेज क्या है कि हम लोग क्या बेचने के बाद फ्री हो जाते हैं क्या, नहीं, वी आर सपोज टू नाउ इधर इंस्टॉल और रिपेयर, और देयर कुड बी रिप्लेसमेंट। अगर हम बात करें अपनी शर्ट्स की, तो उसमें हो सकता है कि देयर इज सम ग्लिच इन देयर, देयर इज सम मिस्टेक, कुछ एरर हो सकता है, तो हो सकता है रिप्लेसमेंट के लिए आ जाए, तो विच इज एन आफ्टर सेल सर्विस। हो सकता है हम लोग कैश बैक देंगे या रिप्लेस करके देंगे, या फिर जो भी हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे आफ्टर दे हैव कम अप टू अस विद देयर प्रॉब्लम। सो इस तरह की सर्विसेज जो है हम लोग सेल्स के बाद भी करते हैं, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस। सो ये पांच एक्टिविटीज आपकी कवर हो जाती है प्राइमरी एक्टिविटीज में। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने के लिए आता है बादाम फ्रॉम सर। ओके, सो इनपुट्स को अपन अंदर लेके उस पर काम करेंगे, अंदर लेना मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑलराइट, उस पर काम करेंगे, काम मतलब क्या, ऑपरेशंस करेंगे, और फिर अपन उसको बाहर भेजेंगे, यानी कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ बाहर जाने से बिक जाएगा क्या, नहीं, अपन उसको मार्केट करेंगे, उसको सेल करेंगे, तो मार्केटिंग एंड सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऑलराइट, और इन सब के बाद अपना काम खत्म हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, अपने को सर्विस तो देनी ही पड़ेगी सेल्स के बाद भी। ऑलराइट, सो कभी कभी सेल्स के साथ भी और सेल्स के बाद भी। ऑलराइट, सो दिस इज द वे हाउ यू कुड लर्न इट इजीली। द सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट में, बट ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को, सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोक्योरमेंट, जिसकी वजह से अपना काम शुरू हुआ था, बिना प्रोक्योरमेंट के अपन काम शुरू ही नहीं कर पाते। सो प्रोक्योरमेंट इज परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज, अदर कंज्यूमेबल्स, जो कि अपने इनपुट बनेगा टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू आउटपुट। ठीक है, सो अपन इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं, इनपुट अपन परचेज कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोक्योरमेंट। ऑलराइट, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो आजकल हर कंपनी में टेक्निकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, AI तक का जमाना आ चुका है। सो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने टास्क को ईजी करने में, या फिर हमको एक तरह से सपोर्ट करने में। ठीक है, सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। थर्ड थिंग इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स अपना एसेट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है, हम लोग उन पे उनकी स्किल डेवलप करने के लिए हमेशा वर्क करते रहते हैं। सो देयर सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, और उसके अलावा उनको रिवॉर्ड करना, प्रमोट करना, कैसे उनको बेटर बनाना, उनको डेवलप करना, डैट इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने एम्प्लॉई रिलेशन कैसा है कंपनी में, उसकी बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड द लास्ट थिंग वुड बी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कवर होता है, जैसे कि अपना प्लानिंग स्टेज हो गया, फाइनेंस कहाँ से आ रहा है, अकाउंटिंग, लीगल, गवर्नमेंटल फैक्टर्स और इस तरह का जो भी अलग अदर देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो कि साइड बाय साइड वर्क करते रहते हैं एंड दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दीज वुड बी कवर्ड इन योर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो हियर इज एन एग्जांपल बॉक्स। यहाँ पर आप गारमेंट वाला जो एग्जांपल हमने शेयर किया है, यू शुड डेफिनेटली राइट इट। हाउ यू विल राइट इट, यू विल फॉर्म अ केस, जो कि अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पे कि हम लोग एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं, वी आर मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड शर्ट्स। ऑलराइट, सो वी हैव अ फैक्ट्री। अब हम लोग किस तरह से हम लोगों का प्रोसेस जो रहेगा प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज का, वो क्या क्या रहेगा। सो प्राइमरी एक्टिविटीज वुड डेफिनेटली कवर योर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ब्रिंगिंग मटेरियल, फिर उसके बाद ऑपरेशंस, फिर बाहर भेजना, फिर उसके बाद मार्केट सेल्स करना, सर्विसेज देना। बट इसके लिए सबके लिए क्या जरूरी है, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि अपनी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अपने टेलर्स वर्क कर रहे हैं, डिजाइनर्स वर्क कर रहे हैं, एंड देयर इज अ फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, लीगल, गवर्नमेंट अफेयर्स अदर देन दिस। ऑलराइट, सो आप इस तरह से बिल्कुल आपका एग्जाम्पल बॉक्स में इस तरह का एग्जाम्पल मेंशन करना चाहिए। दिस विल make you remember it and this will help you to retain it and recover it। ठीक है, जब आप वापस से पढ़ोगे ना, सो आपको recall it, sorry recover नहीं recall, सो आप जब वापस से पढ़ोगे ये example देखोगे, आपको quickly फिर से दिमाग में hit करेगा कि हाँ हमने ये समझा था। alright, here is a case scenario given by ICI। हम लोग already इस पर discuss, हम लोग ऑलरेडी जो है प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सो आई वुड रियली लाइक यू टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन बाय योरसेल्फ विदाउट रीडिंग दिस। डेफिनेटली आपको खुद से एक बार सोचो, आपको आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन ऑलवेज कम अप टू मी। ऑलराइट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। बट यहाँ पे जाने के पहले हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ऑलराइट, Hi guys, I am back and welcome back after the break। और हम start कर रहे हैं अब next topic, but before we begin with the next topic, here is a word from my side। अगर आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है या फिर इफ़ यू थिंक समवेयर देर इज़ सम इशू विच यू आर फेसिंग एंड वॉट आई कैन डू टू इम्प्रूव दिस फॉर यू, आप प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दीजिए। हाउ यू कैन डू इट इज़ आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग माई नंबर एंड माई ई मेल एड्रेस टू यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो डैट यू विल बी नोटिफाइड ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू स्प्रेड द वर्ड। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि भाई नया प्रोफेसर आए कॉस्टिंग के लिए, चेक आउट इज लेक्चर और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको हेल्प हो रहा है तो ठीक है। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस, यानी कि हम लोग किस तरह का फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं टू एनालाइज द वैल्यू चेन। सो फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी आर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे। इसके लिए भी यूज पोर्टर्स फाइव फोर्सेज एनालिसिस। ठीक है, सो पोर्टर्स फाइव फोर्सेज एनालिसिस अगर आपको याद है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ईजी हो जाने वाला है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग पूरा बहुत आसानी से समझ जाएंगे। द टॉपिक इज रियली सिंपल एंड लेट्स बिगिन विद इट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स अपना फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, सो कोई भी नया प्लेयर आने से डर रहा है आपकी इंडस्ट्री में तो वो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हो जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका
जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही इंटेंसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर टेक्नोलॉजी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूज़ करनी होती है, या फिर देर आर सम लीगल फैक्टर्स जो कि उसको लिमिट कर रहे हैं एंटर करने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल बहुत कम है और ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उसमें फाइट कर रहे हैं, सो एक नया प्लेयर वुड नॉट वॉन्ट टू एंटर इन टू योर इंडस्ट्री. ओके, सो दीज आर द टिपिकल बैरियर्स विच लिमिट एक नए प्लेयर को अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. सेकेंड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अगर ये जो मार्केट है, ये जो इंडस्ट्री है आपकी, वो बायर की वजह से चलती है, बायर डिक्टेट करता है टर्म्स को, तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर भी रहने वाली है. उनके पास बार्गेनिंग पावर कैसे हो सकती है, बायर्स बहुत कम है, ठीक है, पर सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब वो कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से वो टर्म्स को डिक्टेट करते हैं. या फिर हो सकता है कि वो बहुत ही वॉल्यूम में आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सो वो डेफिनेटली आपको फोर्स करेंगे कि आप उनको एक हैवी डिस्काउंट दो, या फिर आप एडिशनल पर्क्स दो, तो इस तरह से वो टर्म्स ऑफ सर्विस को डिक्टेट करने वाले हैं, ठीक है. द थर्ड थिंग इज कि कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स इज़ वेरी लो, यानी कि मुझे बिल्कुल बहुत कम कॉस्ट में मैं आपसे एक दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट हो सकता हूँ, तो मैं आपको कभी भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है. अब इसमें आपको हमेशा ये डर बना रहेगा, और आपके जैसे सभी कॉम्पिटिटर्स को ये डर बना रहेगा कि कभी भी मेरे बायर मुझे छोड़ के दूसरे सप्लायर के पास जा सकते हैं. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज लार्ज कंपनीज हैव अ हाई बार्गेनिंग पावर व्हेन दे बाय फ्रॉम स्मॉल सप्लायर. समझ लीजिए, आप किसी बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी को कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है आपको, और आप वो प्रोडक्ट बना के उनको डिलीवर कर रहे हो, ठीक है. सो नाउ बिकॉज यू आर अ स्मॉल सप्लायर, दे आर अ लार्ज कंपनी, दे आर ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनीज, सो दे हैव हाई बार्गेनिंग पावर. ओके, सो व्हेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई, दे वुड बी इन अ पोजिशन टू डिक्टेट टर्म्स टू द फर्म. ऑल राइट, द थर्ड पॉइंट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. जब भी आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे मल्टीपल या फिर क्लोज भी अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हुए मार्केट में, तो आपके प्रोडक्ट का लेस प्रेफरेंस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से देयर विल बी कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग, ताकि आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाओ. ओके, द फोर्थ पॉइंट इज बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर. सो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होगा अगर इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इनपुट बहुत कम है मार्केट में, एंड यू रियली नीड इट, बिकॉज उसके बिना आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा या अच्छा नहीं बन पाएगा. सो सप्लायर जो है टर्म्स को डिक्टेट करेगा अब, और उसके पास एक बार्गेनिंग पावर रहने वाला है. अगर इनपुट जो है वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता है, या फिर कोई अल्टरनेट मेजर अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो इस तरीके से भी सप्लायर के पास एक बार्गेनिंग पावर आ जाएगा, ठीक है. सो प्रॉफिटेबिलिटी जो रहेगी अपनी कंपनी की, वो कम हो सकती है अगर सप्लायर जो है अपने को अपने ऊपर टर्म्स डिक्टेट करता है, हाई बार्गेनिंग पावर जो है वो अपने ऊपर लगाता है, यूज़ करता है, तो इस वजह से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो सकती है. ओके, द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इन पोर्टर्स फाइव फोर्सेज एनालिसिस इज राइवलरी अमंगस्ट फर्म्स. कुछ मार्केट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होते हैं, देर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन द कंपनीज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. एक कंपनी कुछ ला रही है, सेकेंड कंपनी कुछ ला रही है. इफ यू लुक एट द मोबाइल फोन इंडस्ट्री, देर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस प्लेयर्स. ओके, लिविंग एप्पल असाइड जो एंड्रॉयड मार्केट में डील करते हैं, सो हर प्लेयर अपना कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, और हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता जाता है. सो देर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन इन दिस मार्केट, और इस तरह की हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज में जो है नई फर्म्स ट्राई करती है कि ना जाए, और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है वो ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके पास आ जाए. सो जब कंपटीशन जो है वो इतना इंटेंस होता है, इतना हाई लेवल पे होता है, तो फर्म्स जो होती है वो कब होती है, जब जनरली फर्म्स जो होती है वो इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल होती है एक दूसरे की साइज़ में, ठीक है. सो अपनी अपनी साइज़ जो है कंपनी की, फॉर एग्जांपल वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सो सिमिलर साइज़ की कंपनीज हैं. ओके, दे आर कंटिन्यूसली कंपीटिंग विद ईच अदर. कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में डेफिनेटली कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली बहुत चेंज भी करते रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स, एंड देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज हायर फिक्स्ड कॉस्ट.
फर्म्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी करने की कोशिश करेगी अगर उसका फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होगा। ऐसा क्यों करेगी वो? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी उतना ही अगर अपन एक प्रोडक्ट पे जाकर देखें तो उसका फिक्स कॉस्ट एक फॉर एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट कम आएगा, ठीक है। सो डिफ़िकल्टी भी होगी इस मार्केट में डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हम लोग आप देखो ना, वीवो हो, ओप्पो हो या फिर कोई और अदर मोबाइल कंपनी का कोई फ़ोन हो, तो हम लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। MI हो गया, सो इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंशिएट करने में प्रोडक्ट को बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है। पर इस मार्केट से निकलना क्या आसान होता है? देयर आर हाई एग्जिट बैरियर्स, ठीक है। एग्जिट कॉस्ट बहुत हाई होती है, इसलिए फर्म्स जो है वो कंटिन्यू करती रहती है इस इंडस्ट्री में डिस्पाइट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री लेवल। ओके, देयर इज़ अ केस सिनेरियो गिवन बाय ICAI जो हम अभी पढ़ते हैं। ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली ओन्ड बिजनेस जिसका नाम है WDG। द फैमिली इज ओनिंग 80% ऑफ द शेयर्स, दैट इज वाई इट इज़ अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। बाकी के 20% जो है वो 6 नॉन फैमिली होल्डर्स ओन करते हैं, ठीक है। वो क्या बना रही है? वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बना रही है कस्टमर्स के लिए, और विच आर मेनली किस टाइप के कस्टमर्स? क्लॉथ वाले, शूज वाले, क्रैकर्स वाले, तो उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना उसकी कार्डबोर्ड बॉक्सेस वो बना के उनको दे रही है। तो अब बोर्ड जो है, मतलब जो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंसिडर कर रहे हैं ज्वाइन करने का पेपर ट्यूब्स मार्केट एज वेल। वो पेपर ट्यूब मार्केट में भी घुसने की सोच रहे हैं। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई पेपर ट्यूब मार्केट जो है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। पेपर ट्यूब्स आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क, और पेपर ट्यूब्स का जो कॉस्ट रहता है वो जनरली कम रहता है फिनिश गुड्स के कंपेरिजन में, ओनली 1-3%। सो और प्लास्टिक के बनते हैं। नाउ वॉट दे आर डूइंग इज दे कैन हायर 1%, उसको 2 दिन का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और 2 दिन के ट्रेनिंग के बाद वो एक मशीन को रन कर पाएगा जो कि 189,000 की कॉस्ट करती है। ओके, नाउ व्हाट एल्स आर दे टेलिंग अस? कि यहाँ पर मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर पांच मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी मार्केट में है, जिसमें से जो टॉप वाला है उसका 24% का शेयर है, बाकी लोगों का 12.75% का शेयर है, और एनुअल मार्केट ग्रोथ भी जो है वो भी 3% है, ठीक है, 3% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर्स, रिसेंट ईयर्स देखी गई है। अब उसके अलावा एक न्यूज़ आई है कि MNC है ओवरसीज मार्केट में ऑटोमेटेड मशीन्स लगा के वो भी इस इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रही है। वो एनी साइज, किसी भी साइज़ का पेपर ट्यूब अब बनाने में वो पॉसिबल हो जाएगा उसके लिए। देर इज़ अ टॉक अबाउट अनदर कंपनी विच इज़ रादर अ स्मॉल कंपनी, HEG, जो कि सप्लाई कर रही है प्लास्टिक ट्यूब्स। नाउ दे आर नॉट सेलिंग पेपर ट्यूब्स, दे आर सेलिंग प्लास्टिक ट्यूब्स विच आर केपेबल ऑफ हाउसिंग स्मॉल प्रोडक्ट्स, और उसकी कॉस्टिंग 15% ज़्यादा है इक्विवेलेंट साइज के पेपर ट्यूब से, ठीक है। सो वाई वुड एनीवन गो फॉर प्लास्टिक ट्यूब्स अगर वो पेपर ट्यूब्स में जा पा रहे हैं जो कि इतना सस्ता पड़ रहा है तो। बट यहाँ पर HEG की बात कम करते हुए और लास्ट में उन्होंने बोला है कि WDG को पेपर ट्यूब इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर अपन माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के मॉडल से एनालाइज करने की कोशिश करें, सो इज़ देयर अ थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट? वन, थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स कब होता है? जब भी बहुत ज़्यादा अपने को मशीनरी में इन्वेस्ट करना हो, या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए हो, या फिर जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम हो, तो और ऑलरेडी प्लेयर्स हो। सो यहाँ पर देयर इज़ ओनली वन थ्रेट विच इज़ देयर, द स्पेशल पेपर यूज इन मेकिंग पेपर ट्यूब्स इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, और ये शॉर्ट सप्लाई होने के बावजूद जो है 5 प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। उसके अलावा MNC भी इस मार्केट में एंटर कर रही है, ठीक है। सो दैट विल बी आर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वाला एनालिसिस। सेकंड विल बी आर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो है रादर कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। सो एक्चुअली और क्योंकि 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लोग और छोटे मोटे बाकी जो हैं वो प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, सो देर आर लिमिटेड सप्लायर्स, सो देर इज़ नो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, क्योंकि डिक्टेट नहीं कर पाएंगे वो टर्म्स को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ क्या वो, सॉरी अनदर पॉइंट हियर इज़ कि क्या वो रिप्लेस कर सकते हैं इसको? वो रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज पेपर ट्यूब्स आर वेरी
less expensive or very cheap, you'd say, in comparison to the plastic tubes, which are 15% more costly on an average, okay, to the paper tubes. So इसलिए लोग पेपर ट्यूब्स को प्रेफर करेंगे. देर इज़ नो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर, क्योंकि प्लास्टिक ट्यूब्स जो है बहुत महंगे हैं. सो सब्सटीट्यूट का भी नहीं है. सो देर इज़ नो थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है क्या? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बिल्कुल है, क्योंकि द पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई. द पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई और इसकी वजह से वो टर्म्स डिक्टेट कर पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, MNC इज ऑल्सो एंटरिंग इन टू दिस इंडस्ट्री. सो डेफिनेटली MNC अगर एंटर करिए, सो इट विल बी ट्राइंग टू बाय इन बल्क. एंड बिकॉज द पेपर रिमेन्स इन शॉर्ट सप्लाई, देर विल बी a huge bargaining power exercised by the supplier. The last point is there already rivalry amongst the firms? There is a little bit rivalry, you could say, in a way, amongst the firms, although sab log saath mein exist kar rahe hain market mein. How are they trying to get more competitors? There is only one way, which is reduction of cost, because you cannot bring in a new element in this paper tube thing or product. कोई ऐसा innovative idea आप इसमें नहीं ला पाओगे. So there is less rivalry amongst the existing competitors, although there is a MNC which is coming and planning to expand their packaging operations. All right. So इसको discuss करते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, and what is going to be our लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लोग अपना डिसीजन देंगे, जो कि सारे एनालिसिस के बाद हमें यही लगता है कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. बिकॉज ऑलरेडी, क्योंकि प्लेयर्स जो है, बहुत मेजर प्लेयर्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं इस मार्केट में. पेपर ट्यूब्स बनाने के लिए पेपर जो चाहिए वो बहुत शॉर्ट सप्लाई में है. सो देर इज़ अ ह्यूज बार्गेनिंग पावर फ्रॉम सप्लायर्स. देर इज़ अ थ्रेट टू थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, एंड ऑल्सो MNC आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आगे जो है बहुत ज़्यादा मार्केट डायनामिक हो जाएगा. सो एट लास्ट वी वुड गिव आर डिसीजन कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है ऐसा इसमें एंटर करना इंडस्ट्री में. सो लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन हियर. फ्रॉम द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जॉइनिंग द मार्केट फॉर पेपर ट्यूब्स डज नॉट सीम टू बी अट्रैक्टिव. दे शुड नॉट गो फॉर दिस स्ट्रैटेजी. दे शुड प्रोबेबली गो फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, सो हम लोग पूरा डिस्कशन अच्छे से देंगे ऊपर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी मेजर थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स कैन बी सीन. MNC आ रहा है, एंड सो यू विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स दैट यू कैन थिंक ऑफ. हर तरह से अपने, अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट जाते हो, इन्होंने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ गए हैं, बट इफ़ यू गो बाय पॉइंट दैट विल बी फैंटास्टिक. सो पॉइंट बाय पॉइंट जाके लास्ट में अपने को डिसीजन देना है. शुरू में अपने को पहले केस डिस्कस करना है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्री एनालिसिस. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी आर कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस. सो कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस मतलब कि अपन ये एनालाइज करेंगे कि अपनी कंपनी के पास ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है, यूनिक स्किल है, या फिर किस वजह से हम लोग डिस्टिंक्टिव कहलाते हैं अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स में से. ओके, सो कोर कॉम्पिटेंसी इज अ डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दैट क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू. A core competency is the primary source of an organization competitive advantage. हमें competitive advantage चाहिए, sustainable competitive advantage चाहिए. इसके लिए हमें कुछ unique देना होगा अपने customer को और कुछ unique value provide करनी होगी. So इसके लिए हमें USP होना बहुत ज़रूरी है. There can be two ways. One is cost leadership, second is product differentiation. Here, if you have a distinctive or unique skill, it could either be your product differentiation or it could either be your cost leadership. Okay, so the competitive advantage could result from cost leadership or product differentiation, जो कि already मैं आपको बताया. So तीन तरीके से हम लोग identify कर सकते हैं कि हमारे पास core competency क्या है. ठीक है, first is end product benefits, यानी कि जो product है उसका benefit क्या है. यानी कि there are 5 products, but आपके product से customer को सबसे ज़्यादा benefit हो रहा है, so that is a unique feature for you, that is your core competency. Second is access to a wide variety of markets.
हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स लिमिटेड हो उनके कंट्री के मार्केट तक या उनके लोकल रीजनल मार्केट तक, बट यू हैव एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स. सो इन टू वेज यू कुड ईदर सेल इट और यू कैन ईदर परचेज योर इनपुट्स फ्रॉम. सो दोनों वेज में आपको अगर एक्सेस है वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स पे, तो देर इज़ सम बेनिफिट दैट यू कैन यूज़ एंड बेनिफिट फ्रॉम. थर्ड इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट. थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है कि कोई आपको कॉपी कर ही नहीं सकता, कोई आपके प्रोडक्ट को इमिटेट कर ही नहीं सकता. सो कॉम्पिटिटर आ भी जाएगा, वो इमिटेट करने की कोशिश भी करेगा, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डू इट कि वो बिल्कुल आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, और प्रोबेबली जब तक बना पाएगा तब तक आप और कुछ बेटर लेके आ पाओगे. सो इफ़ यू हैव दीज थ्री थिंग्स और एनी ऑफ द थ्री थिंग्स, देयर इज़ अ कोर कॉम्पिटेंसी डैट यू हैव एंड यू कुड बेनिफिट फ्रॉम इट. ओके, सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी. ये कोर कॉम्पिटेंसी दो रिसोर्सेज से बनती है. फर्स्ट इज़ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज वो चीज़ है जो कि कंपनी को वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये तो टेंजिबल हो सकते हैं या फिर इनटेंजिबल हो सकते हैं. टेंजिबल कैसे, जो अपने इनपुट्स हो गए या अपनी मशीनरीज हो गई, दीज आर ऑल योर रिसोर्सेज. इनटेंजिबल इन अ वे आपके पास कॉपीराइट्स है, आपके पास देयर इज़ अ पेटेंट, यू हैव एन आइडिया, दीज आर ऑल योर इनटेंजिबल रिसोर्सेज. यू हैव अ लेबर सो स्किल्ड एंड सो एक्सपीरियंस कि उनका जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ वर्किंग एज अ रिसोर्स फॉर योर कंपनी. ओके, सो जितना रिसोर्स को इमिटेट करना मुश्किल होगा उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, उतना ही वैल्यूएबल आइटम आप प्रोवाइड कर पाओगे अपने कस्टमर को. ओके, सेकेंड थिंग इज कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी ये है कि अपना जो कंपनी है या कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट पीपल है या फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी है क्या कि वो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर पाए कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो, और हम लोग वो कोर कॉम्पिटेंसी को अचीव कर पाएँ एंड वी कुड बेनिफिट फ्रॉम इट एंड हम लोग अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग को इम्प्रूव कर पाएँ. सो ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज कर पाएँ. सो दिस एबिलिटी इज़ योर कैपेबिलिटी. ओके, उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना इज़ वन ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट वी आर लुकिंग फॉर. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो होना ही चाहिए, बट क्या उससे सब कुछ पॉसिबल है, उसके बाद सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्या कोर कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकते हैं? नहीं. यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट विल प्रोवाइड यू विद कोर कॉम्पिटेंसी. ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन योर कंट्रोल सिस्टम्स एंड इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज. ओके, सो अब हम लगा रहे हैं वैल्यू चेन अप्रोच को कोर कॉम्पिटेंसी पे, क्यों, ताकि हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले. तो हम लोग किन स्टेप्स को यूज़ करके और हमारा वैल्यू चेन अप्रोच को यूज़ करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी भी लगाएंगे और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करेंगे. सो फर्स्ट थिंग कुड बी कि आपको चेक करना होगा कि आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है क्या और आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है. एंड देन यू हैव टू कीप चेकिंग इट बिकॉज मार्केट्स चेंज, डिमांड्स चेंज एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट कीप चेंजिंग. सो आपको देखना होगा कि जो आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी थी वो क्या अभी भी कोर कॉम्पिटेंसी है. अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू यूज़ द कोर कॉम्पिटेंसी. अगर आपके पास एक बिजनेस में कोर कॉम्पिटेंसी है या एक कंपोनेंट में, एक सेगमेंट में कोर कॉम्पिटेंसी है, सो यूज़ इट फॉर योर बिजनेस, यूज़ इट फॉर अ न्यू बिजनेस और इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस. ओके, द थर्ड पॉइंट विल बी कि द थर्ड स्टेप दैट यू कैन गो फॉर इज आप कोर कॉम्पिटेंसी को यूज़ करोगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका वैल्यू चेन जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस का वो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है. यू विल वर्क टू इम्प्रूव ऑन योर वैल्यू चेन, और वैल्यू चेन इम्प्रूव करने से आपको जो है हमेशा यू विल वर्क टूवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. वरना क्या होगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, द सिचुएशंस विल चेंज एंड वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आपका कोर कॉम्पिटेंसी ख़त्म हो जाएगा एंड फिर आप उसको कुछ बेनिफिट नहीं ले पाओगे. द फोर्थ स्टेप वुड बी कि अगर आप कोर कॉम्पिटेंसी को यूज़ कर रहे हो वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने में, देन प्रोबेबली ट्राई टू डिस्कवर अ न्यू वैल्यू चेन टू गेट मोर कस्टमर्स टू कम विद यू. ओके, सो इस तरीके से जो है यू विल यूटिलाइज द कोर कॉम्पिटेंसी डैट यू हैव, यू विल
you will work on value chain analysis along with your core competency to get a competitive advantage. Okay, the next topic will be segmentation analysis. और यहाँ पर हम लोग आज का लेक्चर खत्म कर देंगे. The segmentation analysis is basically analysis of the different market segments जो कि एक इंडस्ट्री में होते हैं. ठीक है, यह एनालिसिस हमको क्या बताएगा कि कौन सा सेगमेंट हमारे लिए एडवांटेज रखता है, कौन सा हमारे लिए डिसएडवांटेज रखता है. ओके, सो कौन से सेगमेंट में जाना हमारे लिए फायदेमंद होगा, या किस सेगमेंट के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द प्रोज व्हाट आर द कॉन्स, ये हमें हर सेगमेंट का एनालिसिस करके पता चल जाएगा जो भी इंडस्ट्री में रहता है. ठीक है, हम लोग हमारी जो कंपनी है उस एनालिसिस को कैसे यूज करेगी. वी विल यूज द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि हमें इस सेगमेंट में एंटर होना है क्या, या फिर हम लोग ऑलरेडी उस सेगमेंट से हैं. सो डू वी वांट टू एग्जिट फ्रॉम द सेगमेंट इफ देयर इज अ केस कि यहाँ पर हमें प्रोज से ज़्यादा कॉन्स हो रहा है किसी सेगमेंट में. सो वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट सेगमेंट. हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हम लोग एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट में एक साथ वर्क करें क्या, हाउ विल आर कंपनी बेनिफिट फ्रॉम इट, या फिर हम लोग जिस सेगमेंट में हैं उस सेगमेंट में हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए. शुड बी फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और शुड बी फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट सेगमेंटेशन एनालिसिस विल प्रोवाइड अस विद. एंड सेगमेंटेशन एनालिसिस कैसे हम लोग कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट ऑल सेगमेंट्स आर देयर. ओके, हम लोग सारी कैटेगरीज आइडेंटिफाई करेंगे सेगमेंट्स की. देन वी विल कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स. ये सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर सेगमेंट को एनालाइज करेंगे, कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, किस में ज़्यादा प्रोज है. हम लोग की जो कंपनी है, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है, जो विजन है, क्या इस सेगमेंट में वर्क करेगा. हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमारे लिए इस सेगमेंट में वर्क करने पे सक्सेस फैक्टर्स हो सकते हैं. सो वी विल ट्राई टू अचीव दो सक्सेस फैक्टर्स फॉर ईच सेगमेंट. हम लोग डिसाइड कर लेंगे हम लोग जिस सेगमेंट में जाना चाहते हैं या हैं, या फिर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं बाकी सेगमेंट्स को भी एनालाइज करने पे कि हम लोगों को क्या कर सकते हैं further on. So what we will see is what are the success factors for each segment and how we can achieve those success factors. Okay, the last thing that would be there is we will analyze the attractiveness of broad versus the narrow segment. Agar ek segment jo hai वो दूसरे सेगमेंट के कंपैरिजन में ब्रॉड है. फॉर एग्जांपल आई वुड से कि अगर आप कपड़े की बात करो, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट रेडीमेड गारमेंट्स, अ ब्रॉडर सेगमेंट वुड बी मेंस क्लोथिंग, अ नैरोअर सेगमेंट वुड बी अ शर्ट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ शर्ट और अ टी शर्ट. ओके, सो व्हाट इज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ ब्रॉडर सेगमेंट इन कंपैरिजन टू अ नैरोअर सेगमेंट. वी विल थिंक अबाउट ऑल दोज पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है किसी भी सेगमेंट के, वो सेगमेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, हम लोगों के सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एंड वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर अस टू एंटर इनटू अ सेगमेंट और एग्जिट फ्रॉम अ सेगमेंट, एंड हाउ विल वी रिकन्फिगर द एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स. ऑलराइट, सो इसी के साथ अपन लोग यहाँ पर एंड करते हैं. एट लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, स्प्रेड द वर्ड, टेल योर फ्रेंड्स कि नया लेक्चर आया है कॉस्टिंग का. अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको बुक पसंद आती है, सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द बुक. आप मुझे फीडबैक शेयर करोगे, आई विल ट्राई टू वर्क माई बेस्ट टू मेक इट बेटर फॉर यू. ओके, जितना जल्दी हम लोग वर्क करेंगे उतना जल्दी हम लोग CA फाइनल पास करने के करीब बढ़ते जाएंगे. डू नॉट फॉरगेट द स्ट्रैटेजी आई टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग. वो स्ट्रैटेजी हमको हमेशा हमेशा रखनी ही है. ऑलराइट, सो इसी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग वर्क करते जाएंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, सी यू टुमारो. एंड हियर इज my mobile number and my email address. All right, see you tomorrow. Bye bye guys.